आज हम बात करने वाले दोस्तों केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के बारे में। ये कंपनी बिरला सॉफ्ट से डीमर्ज हो चुकी है और ये कंपनी अभी अभी मार्केट में लिस्ट हुई है 2-4 साल पहले ही। और ये कंपनी जबरदस्त बिजनेस कर रही है और इसका भी एक टाइप हुआ है होंडा के साथ। आप देख सकते हो केपीआईटी टेक्नोलॉजी आज इस न्यूज के चलते 7% की रैली, लगभग 8-8.5% की रैली हो चुकी है दोस्तों, 8 से 8.5% की रैली। और इन्होंने अभी आप देख सकते हो होंडा के साथ पार्टनरशिप की है, तो इन्होंने अनाउंस किया है वेडनेसडे आफ्टर द कंपनी अनाउंस पार्टनरशिप विद होंडा एक्सेलरेट होंडा सॉफ्टवेयर। तो ये होंडा के लिए सॉफ्टवेयर बनाने वाली है, क्योंकि अभी ईवी वगैरह में और अभी जो भी हमारी कंटिन्यू जो बाइक चल रही है उसमें भी अभी सॉफ्टवेयर का यूज़ हो रहा है। और ये कंपनी आगे चल के मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। आज की रैली छोड़ दीजिए, आगे भी ऐसी बहुत सारी रैली आ सकती है दोस्तों, क्योंकि ये शेयर अभी टाटा इलेक्सी के नक्शे कदम पर चल रहा है ये शेयर, और उसी के जैसा सेम बिजनेस मॉडल है। और ये कंपनी आगे चल के मल्टी बैगर स्टॉक बनने वाली है। और इसने अभी अभी देखिए, अभी आप देखोगे तो अभी इनका टाइप यही न्यूज़ है पूरी। और ये अभी आप देख सकते हो इनका लॉन्ग टर्म के लिए टाइप हो चुका है, लगभग 2030 तक ये होंडा एसडीएम के लिए अपने ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने वाले केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। और ये आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म विल एक्सपांड ओवर 2000 सॉफ्टवेयर एंड व्हीकल सिस्टम। तो व्हीकल सिस्टम और सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाली है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज होंडा के लिए। और ये अभी लंबे समय तक इनके ये ऑर्डर मिल चुके हैं और अभी नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये अभी गाड़ियाँ जो भी बनेंगी, जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह का यूज़ बहुत होने वाला है दोस्तों। और इस वजह से इन्होंने अभी इसके साथ पूरा टाइप पार्टनरशिप कर लिए। और आप देख सकते हैं इस न्यूज़ के चलते इसमें लगभग 8.2% की रैली हुई है। पूरा मार्केट क्रैश में चल रहा था और ये शेयर रैली कर रहा था। आप देख सकते हैं 842 रुपीज़ पे क्लोज हुआ ये शेयर और लगभग 8.5% की तेजी हो चुकी है स्टॉक में। और अभी देखिए एनालिस्ट देखोगे यहाँ पे 56% एनालिस्ट बाइंग की राय दे रहे हैं और 22% होल्ड की राय दे रहे हैं और 22% सेल की राय दे रहे हैं। और इसमें लगभग 9 एनालिस्ट काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 9 एनालिस्ट काम कर रहे हैं, 56% यहाँ पे बाइंग की राय दे रहे हैं। तो आपके पास ये शेयर है तो आप बने रहिए, और नहीं है तो खरीदने की कोशिश कीजिए। और अगर आपके पास शेयर है फिर भी आपको खरीदना है अभी और क्वांटिटी ऐड करनी है तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए मार्केट में इस करेक्शन का, इस शेयर में करेक्शन आने का। और करेक्शन जरूर आएगा, हर एक स्टॉक में करेक्शन होगा, क्योंकि आप सभी को पता है अभी मार्केट में जबरदस्त गिरावट चल रही है और यूएस मार्केट में एक के बाद एक बैंक अभी बैंकर सीपी की तरफ जा रही है। आप देखिए पहले तो अभी एसवीबी हो गया और भी 2-3 बैंक अभी फिर से अभी क्रेडिट स्विस का नया मामला सामने आया है। तो अभी क्रेडिट स्विस तो बहुत बड़ी कंपनी है, बैंक है, और इसको भी अभी बैंकरप्सी को थोड़ा सा सामने जाना पड़ रहा है। तो इसकी वजह से बहुत सारी बैंक दिक्कतों में आ रही है और फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है इसी न्यूज़ के चलते। पूरा न्यूज़ निगेटिव न्यूज़ ही आ रही है मार्केट में, कोई पॉजिटिव न्यूज़ देने का चांस ही नहीं है, पूरा निगेटिव न्यूज़ भर भर के आ रही है मार्केट में। और अभी देखिए हम इस कंपनी का ओवरव्यू देखते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 23,228 करोड़ का। इसका फेस वैल्यू देखिए अभी भी 10 है, ये फ्यूचर में स्प्लिट बोनस दे सकता है। ये कंपनी अभी अभी मार्केट में लिस्ट हुई और ये कंपनी आगे चल के लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न बना के दे सकती है। और देखिए इसमें बिग शार्क इन्वेस्टर आईसीआईसी ग्रुप 1.87%, बहुत सारे इन्वेस्टर है इसमें, आईसीआईसी ग्रुप में थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट किया, इस वजह से आईसीआईसी ग्रुप का ही नाम दिखाया इन्होंने यहाँ पे। और अभी देखिए प्राइस परफॉर्मेंस देखोगे तो इस शेयर का 3 मंथ में इसने 21% के रिटर्न दिए, ईयर टिल डेट में देखोगे तो 20%, और अभी देखिए 1 साल में देखोगे तो लगभग 50% के रिटर्न दिख रहे हैं, 50%। और ये शेयर 3 साल में देखिए, 3 साल में ये कंपनी 1100% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दे चुकी है, मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिए इसने ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर को। और ये कंपनी यहाँ से भी और भी ज़बरदस्त रिटर्न दे सकती है। और अभी देखिए ये कंपनी अभी अभी 2019 में ही मार्केट में लिस्ट हुई है, 19 में देखिए 641 करोड़, 2019 में कंपनी का रेवेन्यू देखिए 641 करोड़, 2020 में देखिए 2100, 2021 में 2035 करोड़, और अभी 2022 में कंपनी ने 2432 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। और ज़बरदस्त कंपनी, अभी इन्होंने एक बाहर की कंपनी भी एक्वायर की है, इस न्यूज़ को भी मैंने कवर किया। और अभी देखिए नेट प्रॉफिट 55 करोड़ से 146 147, और अभी देखिए 22 में 276 करोड़ का प्रॉफिट बनाया इन्होंने अभी 22 में। ज़बरदस्त कंपनी है, अच्छा बिजनेस कर रही है और बिजनेस मॉडल भी ज़बरदस्त है। और ये कंपनी टाटा इलेक्सी के नक्शे कदम पे चल रही है, टाटा इलेक्सी ने मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिए अपने इन्वेस्टर को, और ये कंपनी आगे चल के आपको ऐसे ही रिटर्न देने वाली है। तो इस कंपनी पर आप जरूर नजर रखिए, अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में तो ज़बरदस्त बात है, और नहीं है तो इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड जरूर कीजिए। और ये कंपनी लॉन्ग टर्म तक अपने पोर्टफोलियो में ऐसे ही रखिए, ये कंपनी आपको ज़बरदस्त रिटर्न बना के देगी आगे चल के। और छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड करते रहिए, जैसे ही मार्केट में गिरावट मिलती है स्टॉक में आप क्वांटिटी ऐड करते रहना। और अर्निंग पर शेयर देखिए कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है अर्निंग पर शेयर, और अभी लगभग 22 में 10.17 का ईपीएस है इनका। और डेट टू इक्विटी देखिए 0 डेट है कंपनी के ऊपर, डेट फ्री कंपनी है। और अभी रिजर्व देखिए 3-4 साल हुए कंपनी को 778 करोड़, फिर 937 करोड़, और अभी 1039 करोड़ के रिजर्व अवेलेबल है कंपनी के पास। और अभी हमारे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे प्रमोटर के पास लगभग 40% का स्टेक है, एफआईआई देखिए 20% और डीआईआई है लगभग 12%,
और अभी देखिए पब्लिक पब्लिक ने अच्छा खासा माल उठाया इसमें, 25.4% का स्टेक पब्लिक के पास है। ज़बरदस्त कंपनी है और अच्छी खासी होल्डिंग है। आप देखिए एफ आई एस डी आईज ने भी लगभग दोनों ने मिलकर एफ आई एस और डी आईज ने 32% के ऊपर का स्टेक है इनके पास, 33% का स्टेक है। और अभी देखिए प्रोमोटर है 40% और पब्लिक ने भी अच्छा माल होल्ड किया है। तो ये ज़बरदस्त कंपनी बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में, ये कंपनी आगे चल के और भी ज़बरदस्त रिटर्न दे सकती है। तो इस शेयर पर आप जरूर फोकस कीजिए और अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड कीजिए इस स्टॉक को। अभी देख सकते हो ये कंपनी आज के दिन जबरदस्त रैली कर चुकी है। वन मंथ में देखोगे तो भी इसमें 2.7% की अभी भी गिरावट चल रही है, आप देख सकते हो इतनी रिकवरी के बाद भी। और ये शेयर पिछले एक साल में देखिए, एक साल में इसने जबरदस्त रिटर्न 46% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिए। जून में ये शेयर 500 के भी नीचे चला गया था और आप देख सकते हो जून 22 के बाद अभी एक साल भी नहीं हुआ है और जबरदस्त रैली कर चुका है ये स्टॉक। और मैक्सिमम देखोगे तो ये कंपनी अभी अभी मार्केट में लिस्ट हुई है, 2019 में ही ये कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है। और 2019 से देखोगे तो आप देखिए 108 रुपीज़ से ये स्टॉक कहाँ पे आया था, कोविड में स्टॉक लगभग पेनी स्टॉक 38 रुपये पे आया था और यहाँ से कंपनी ने जबरदस्त रैली की है। और रैली करते करते ये स्टॉक अभी आप देख सकते हो ये शेयर जल्दी ही 1000 रुपीज़ के लेवल क्रॉस कर देगा। अगर आप इस शेयर में है तो बने रहिए, आपको अच्छे लेवल जरूर दिखाएगा स्टॉक। और आप देखिए 1800% के रिटर्न दिख रहे अगर कोविड से आप गिनोगे तो। और अभी देखिए इसका 52 वीक है 876, मगर ये शेयर जल्दी ही 1000 रुपीज़ के लेवल क्रॉस करके आगे जरूर निकल जाएगा और आगे चल के मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे सकता है ये शेयर। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।